आंखें बंद कर लेते हैं, एक लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ दें। तीन बार ओंकार करेंगे, श्वास लें। गुरु वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री श्रीगुरवे नमः। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो अगर आपको पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन करेंगे ठीक है। एक ही व्यक्ति ने, निर्मल निर्मला निर्मल जी ने वीडियो ऑन किया है। आज नए चेहरे दिख रहे हैं, प्लीज वीडियो ऑन करें। थैंक यू कौर, अशिता, अरोरा, सिंधु, पूजा, सबसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करेंगे ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आज का हमने टॉपिक चूज किया है स्पाइसेस, मसाले। देखो जब भी हम किचन में कुछ भी बनाते हैं, कोई भी एक भी चीज चूज करें हम, तो उसमें हम मसाले डालते हैं। बिना मसालों के, बिना नमक के उसमें स्वाद नहीं आता। तो मसाले है ना, वो हमारे किचन की जान है। और उसके उनके ना औषधीय गुण भी है, मेडिसिनल वैल्यू है मसालों की, ठीक है। वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक और ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल को लो करने की कैपेसिटी है उनमें, मसालों को। पर हमें नॉलेज होना चाहिए नहीं, कौन से मसाले हमें खाना है, कौन से कम खाना है, कौन सा ज्यादा खाना है, लिमिट में खाना है, कितनी क्वांटिटी खानी चाहिए। अगर एक ही मसाला हम फिर ज्यादा डाल देते हैं ना, तो एक तो स्वाद बिगड़ता है, ऊपर से हमें फिर स्वाद के लिए हम खाते हैं पर वो हमारे लिए वो ओवर हो जाता है, ओवर हो जाता है। कहते हैं ओवर, इवन होना चाहिए, मध्य मार्ग, ना कम ना ज्यादा, अति की कोई गति नहीं होती है। तो स्पाइसेस हमारे किचन की जान है, उसमें मेडिसिनल वैल्यू है, औषधीय गुण है। हम कुछ मसालों को देखेंगे, आप बताइए कौन कौन से मसाले हैं, चैट बॉक्स में जल्दी लिखिए फटाफट, कौन से मसाले यूज करते हो। भुना जीरा, हाँ, गरम मसाला,
ओके, हल्दी और क्या खाते हैं? हाँ, क्लोव्स, धनिया पाउडर, वेरी गुड, ब्लैक पेपर, गुड। और गार्लिक, जीरा पाउडर, नमक, कार्डमम, हल्दी, अजवाइन, वेरी गुड। तो होशियार हो सब लोग, माहिर हो एकदम, है ना? हाँ, तो मसाले हम यूज करते हैं, हल्दी, जिंजर, क्यूमिन, पिपरमिंट, सिनामन, चिल्ली पाउडर, पेपर, गार्लिक, ऑरिगेनो, बे लीफ, मस्टर्ड, जीरा, क्लोव्स, पेनगुरिक, मेथी दाना, नटमेग, तेज पत्ता, ब्लैक पेपर। हाँ ठीक है, तो ये सब मसाले हम यूज करते हैं अपने किचन में खाना बनाने के लिए। जैसे हमको बिरयानी बनानी है तो हमें सब मसाले लगते हैं। आखे मसाले डालते हैं, फिर उसको अपने तेल में तड़का देते हैं, फिर हम सब्जियां डाल के पकाते हैं, फिर चावल डालते हैं, फिर और उसको फ्लेवर देते हैं, है ना? फिर अलग अलग सब्जियां डाल के हम अपनी बिरयानी को पकाते हैं, बिरयानी मसाला डालते हैं एवरेस्ट का, फिर एडिशनल। तो ये मसाले अलग अलग, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, तो ये मसाले है ना, हमारे अंदर ना केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं, उसका ब्रेकडाउन होता है, मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, फिर वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो हम हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस चलते हैं, उसमें फ्री रेडिकल तैयार होते हैं। ये फ्री रेडिकल है ना, वो हमारी सिस्टम के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये जो मसाले हैं ना, वो फ्री रेडिकल को अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं, तो हमें नुकसान नहीं होता है, ठीक है? जैसे लौंग है, लौंग का तासीर क्या है? गर्म। अगर हाँ, गर्म तासीर है। जी, अगर किसी को ठंड लगती है या दांत दुखता है, तो हम क्या करते हैं? लौंग डाल देते हैं या लौंग का तेल डाल देते हैं, तो वो दुखना कम हो जाता है। करते हैं ना ऐसा? तो अगर ठंड ज्यादा लग रही है तो लौंग खाते हैं, बड़ी इलायची खाते हैं, लांग पीपर खाते हैं। तो ये जो मसाले हैं ना, अलग अलग हमारी तकलीफों को ठीक करते हैं। जैसे सिनामन है, हमने कभी ज्यादा खा लिया, पार्टी में ज्यादा खा लिया, हैवी हो गया, ब्लोटिंग हो गई, तो हम बराबर से सांस नहीं ले पाते, ऐसे लगता है बहुत हो गया और अनइजी लगता है। तो सिनामन पाउडर उसमें बहुत अच्छा काम करता है, ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा है। हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि दूसरा हमारा टॉपिक है ना, अल्टरनेट पार्टी, चाय के शौकीन लोगों को कैसे हम चाय से रिमूव करके कन्वर्ट करें खुद को। क्योंकि हमें भूख नहीं होती है, चाय की आदत होती है। और आयुर्वेदा ऐसे कहता है, जब भी हमें भूख हो तभी खाना है। आयुर्वेदा का पहला प्रिंसिपल यही है कि जब भी हमें भूख हो तो ही हमें खाना है। पर हम चाय की भूख थोड़ी होती है, चाय की क्रेविंग होती है। और ये क्रेविंग क्यों होती है? जब हमारे अंदर ना विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है, तो ये क्रेविंग होती है। और जो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है ना, प्रोग्राम है, वो ऐसे ही डिजाइन किया गया है ताकि वो जब भी हम फॉलो करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी क्रेविंग कम होती जाती है। क्रेविंग क्यों होती है? जब हमारे खून में विषैले तत्व ज्यादा हो जाते हैं तो हमें क्रेविंग ज्यादा होती है, कैल्शियम कम होता है, विटामिन्स कम होते हैं, तो
तो हम क्रेविंग, हमारी क्रेविंग बढ़ती जाती है। जैसे डायबिटिक पेशेंट को कहा जाए कि आपको शक्कर नहीं खानी है, तो उनको क्रेविंग होती है शक्कर खाने की, और क्रेविंग होती है क्यों? क्योंकि उनके शरीर में क्रोमियम और कैल्शियम की कमी होती है, तो वो मतलब सिम्टम ही है शुगर की क्रेविंग होना। ठीक है, तो ये जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, 27 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके अलग अलग रोल है और उनकी डिफिशिएंसी के कारण ही हमें डिजीजेस होती है। तो आयुर्वेद, ये जो होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम है, उसमें हम क्या सीखते हैं, थोड़ा उस पे दृष्टि डालते हैं पहले। तो इसमें हम सीखते हैं डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा क्या है। और कभी आपने नाड़ी चेक करवाया होगा तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि आपका ये दोषा इम्बेलेंस है। सपोज किसी को कहा गया होगा वात इम्बेलेंस है, किसी को पित्त, किसी को तो ये वात पित्त का क्या चीज है, इनको हमने अगर समझ लिया ना, तो इसमें ही पूरा जीवन का नॉलेज है वात पित्त का। और ये जो है ना, पंच महाभूतों से बने हैं। जैसे पंच महाभूत पूरे ब्रह्मांड में है ना, वैसे हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। जैसे ब्रह्मांड में बहुत गर्मी हो गई तो क्या होता है, धरती फटती है, ज्वालामुखी होता है, फटता है, अर्थक्वेक होता है, तूफान ज्यादा आ गया, वायु का इम्बेलेंस हुआ तो तूफान आ जाता है, पानी का ज्यादा बहाव हुआ, बारिश ज्यादा हुई तो क्या होता है, फ्लड आती है, या कभी बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ता है। तो ऐसे इम्बेलेंसेस से हमारे नेचर में इम्बेलेंसेस होते हैं तो भी हमें तकलीफ होती है, और हमारे अगर शरीर में भी इम्बेलेंस होते हैं तो फिर क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो नाड़ी चेक करने से क्या मिलता है, आपका वात इम्बेलेंस है, आपका कफ इम्बेलेंस है, आपका पित्त इम्बेलेंस है, फिर वो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, कुछ हर्ब्स देते हैं और कुछ खान पान का भी बताते हैं कि आप ये फॉलो करें, तो वो दवाइयां हमारे ओवरऑल हेल्थ पे अफेक्ट करती है। हमारी ओवरऑल हेल्थ क्या है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली, पांच एस्पेक्ट हैं हमारे हेल्थ के, तो ही हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ माना स्व में स्थित होना। ठीक है, तो ये वात पित्त कफ के ऊपर है, और वात वालों को कौन सा खाना खाना है, पित्त वालों को कैसा अपना डाइट मैनिपुलेट करना है, वो अलग अलग बताया जाता है। अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन वाटर की क्यों नीड है, क्योंकि आप बहुत सारा जंक फूड और एसिडिक फूड खा रहे हैं, तो हमारे खून में विषैले तत्व बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम होती है। तो अल्कलाइन वाटर अगर हम लेते हैं तो फिर वो नलीफाई करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, दूसरा है विरुद्ध आहार। हम अलग अलग चीजें मिक्स करते रहते हैं ना टेस्ट के लिए, दही के साथ ये, दूध के साथ दही, नमक सब डालते रहते हैं कि हमारे घर वाले मस्त खाएं, पसंद आए उनको, मेहमानों को पसंद आए, पर वो कभी कभी गलत आहार हो जाता है, फिर वो हमारे खून को विषैला बनाता है। ठीक है, तो ये भी एक सुंदर टॉपिक है। दूसरा है प्रोसीजर है मील और खाना, एक मिनट,
हाँ तो दूसरा है हमारा खाना किस प्रकार हमें पकाना है और कौन से बर्तनों में पकाना है ताकि हमें पौष्टिकता मिले, कब खाना है कब नहीं खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। प्रोसीजर टू हैव मील, वैदिक मंत्रों के साथ हमें अपना भोजन कैसे ग्रहण करना है। भोजन हमारा क्या है? प्रसाद है, पर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो अगर हम अपने खाने को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कैसे भी खाएंगे, चलते चलते खाएंगे, मोबाइल देख के खाएंगे, तो वो हमें क्या करेगा? कितना भी खाएंगे फिर भी डिफिशियंसी होगी विटामिन और मिनरल्स की, ठीक है, खून की कमी, ये सब हम बातों से बहुत गुजरते हैं, और लेडीज में ज्यादा टेंडेंसी होती है ये, उनकी जल्दी जल्दी विटामिन सी वो डिफिशिएंसी होती रहती है। तो और दूसरा है, हम अगर मीठा तो पसंद है सबको, है ना, खाने के बाद होता है ना, थोड़ा और हो जाए, है ना, थोड़ा मीठा हो जाए, तो उसको हम सब जानते हैं कि शुगर वाइट पॉइजन है, तो उसको हम कैसे रिप्लेस करें ताकि हमें मीठा भी मिल जाए और नुकसान भी ना हो। तो शुगर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, ठीक है, तो ये सब अच्छे तरीके से, और इसके साथ रेसिपी है ना, आप कहोगे रेसिपीज के बिना कुकिंग कैसे होगी, तो वो भी है नॉलेज प्लस रेसिपीज, अनगिनत रेसिपीज, और खाना बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमें कैसे पकाना है, ताकि वो हमें फायदा दे, हमें पौष्टिकता दे, हमारी प्राण शक्ति ऊर्जा बढ़ाए। तो ये कोर्स में हम सीखते हैं हमारी बॉडी को हम कैसे डिटॉक्स करें, मन को कैसे शांत करें, और अपनी चेतना को कैसे ऊर्जावान बनाएं, ठीक है। तो ये सब आ जाता है होलिस्टिक कुकिंग को प्रोग्राम में, जो 14, 15, 16 अक्टूबर में होने जा रहा है, दो बैचेस में, 3 से 5 और शाम को 7 से 9। मैं डिटेल्स डाल देती हूँ चैट बॉक्स में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मेरा नंबर नोट कर लें, 9168-944-772। आप कॉल करके पूछ सकते हो कुछ भी आपको जानना है तो। आपने अगर कोर्स किया है पर आप लोगों को करवाना चाहते हो, वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, होता है ना। हाँ, हमारी नहीं मानते हैं ना लोग, और ये ना कोर्स हर कोई कर सकता है, जो खा रहा है वो कर सकता है, क्योंकि हम जो भी मुंह में डालते हैं वो हम बनते हैं, ठीक है। तो हर कोई खाता है ना, बच्चा बूढ़ा जवान, जेंट्स लेडीज सब खाते हैं ना, तो बच्चे भी आ सकते हैं 8 साल के ऊपर, ऐसे नहीं है लेडीज को खाना बनाना है तो सिर्फ उनको ही खाना, उनको ही बस एक सीखना है, नहीं, सबको ये नॉलेज जरूरी है, ठीक है। तो अभी जो हमारे मसाले हैं ना, वो बहुत तरीकों से हमें फायदा करते हैं, फ्री रेडिकल्स को फाइट करने के लिए हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हैप्पी कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जितना हम, ऐसे नहीं है खाना खाने से ही हमें कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारा शरीर कैलोरीज को बर्न नहीं करता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल होता है। और दूसरा, अगर हम बैठे बैठे खाते रहते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाएंगे सोएंगे, खाएंगे सोएंगे, तो कोलेस्ट्रॉल तो होने ही वाला है। तो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल रिलैक्सेशन, प्राणायाम,
प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया, ये सब होलिस्टिक कुकिंग, ये सब अगर हम फॉलो करते हैं तो हम क्या बनते हैं? हेल्दी। ठीक है ना? तो ये मसाले फ्री रेडिकल को फाइट करने की हमारी शरीर की क्षमता को बढ़ाते हैं, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज और सर्टेन कैंसर्स। हमने देखा ना कोरोना में हल्दी के पानी की गरारे की, गरम पानी पिया, काढ़े पिए अलग अलग टाइप के, तो ही फिर हमारा गला साफ रहता था, डर लगता था, थोड़ी भी सर्दी हुई डर जाते थे एकदम, सर्दी नहीं होनी चाहिए इसीलिए प्रिकॉशन करते थे। तो आयुर्वेदा यही सिखाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, प्रिवेंट करें हम, ताकि हमें हमारा शरीर रोग मुक्त बना रहे हमेशा। ठीक है, अभी चाय पीते हैं ना हम लोग, हम लोग, मैं तो नहीं पीती हूँ पर बहुत सारे लोगों को आदत होती है, पहले मैं भी पीती थी चाय, पर धीरे 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 वो क्रेविंग कम होती गई, जैसे जैसे ये सब फॉलो करते गए तो वो जो क्रेविंग थी, विटामिन कम थे, कैल्शियम कम था, उसकी भरपूरी हो गई, तो वो शरीर फिर नहीं मांगने लगा उसको। तो चाय को फिर हम कैसे, मतलब होता है ना थोड़ा हो जाए, हमें लगता है चाय ऐसी दिखे, और दूसरा ना एक खतरनाक बात है चाय की, कि चाय से हमारा नर्वस सिस्टम वीक होता है, हमारे जो ब्रेन की नर्व्स है ना, न्यूरॉन्स हैं, वो डैमेज होते जाते हैं धीरे धीरे, फिर भूलना, चिड़चिड़ होना, इरिटेशन होना, गुस्सा होना, क्योंकि चाय खून में विषैले तत्वों को बढ़ाती है, एसिडिक है, और दूसरा हम दूसरा एसिड भी डालते हैं उसको, उसमें मीठा करने के लिए वाइट शुगर। तो कैफीन है जो नर्वस सिस्टम को वीक करता है, ठीक है, स्लो पॉइजन है। तो हमें कैसे रिप्लेस करना है, हम क्या लेंगे, सहारा लेंगे हर्ब्स का और मसालों का। हर्ब्स और स्पाइसेस दोनों से हम एक मस्त चाय बनाएंगे, अलग अलग टाइप की। बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनको कहते हैं वाता टी, पित्ता टी, कफा टी, मिंट टी, बहुत सारे ऐसे मैंने एक बार बताए थे सेशन में, रिकॉर्डिंग भी शायद होगी, तो मैं दो तीन बता देती हूँ, हम वो पी के चाय से थोड़ा मुक्त हो जाएंगे, चाहिए ना आप लोगों को? हाँ हाँ ना, यस, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। दो लोगों ने तो अंगूठा दिखाया, ऐसे किया, अच्छी, यस, सब लोग चाय पीते हैं, है ना, सब चाय के बहुत शौकीन है। ठीक है, क्या करेंगे हम, हम क्या करते हैं, चाय से बनाते हैं, पानी डालते हैं, काढ़ा डालते, चाय पत्ती डालते हैं, और उसमें शक्कर डालते हैं, उसको उबालते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर छान के पीते हैं, कोई कोई मसाला भी डालते हैं चाय का, कोई एक साथ उबालते हैं, कोई दूध कम डालते हैं, कोई पानी, हर किसी का अलग अलग फ्लेवर होता है। हम क्या करेंगे, हमको एक व्यक्ति को पीना है ना, हाँ ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक मैं बताती हूँ, अभी सेजल ने पूछा क्वेश्चन, उसके लिए पहले क्या करो, चाय पीनी है ना आपको या किसको पिलानी है, क्या करो, पहले पानी को अपनी चाय पत्ती डालो, उसको उबाल लो, उबाल लो, फिर दोरा दूध डालो, फिर उसको उसमें ना पाउडर गुड़ आता है, पाम जेगरी करके आता है, वो डालो, तो फिर थोड़ा उसको
क्या करो, छान लो और पी लो या सर्व करो जिसको भी। तो पाम जैगरी में भी इतनी कैपेसिटी है, वो जो क्रेविंग है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी आपकी, ठीक है। ऐसे करो, पहले पाम जैगरी पे रिप्लेस करो खुद को या दूसरों को, फिर क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन मतलब जिसमें कैफीन नहीं है, चाय पत्ती नहीं है और बिल्कुल हेल्थी है, तो क्या करेंगे हम लोग, हर्ब्स लेंगे। जैसे हमने एक हफ्ता कड़ी पत्ते का चाय पिया, कितने लोग एक बार चाय पीते हैं? हाँ, डायबिटिक है, एक बार पीते हैं, बार बार पीते हैं, तीन चार बार पीते हैं, चाय पे ही जीते हैं, ठीक है। तो पानी को, पानी लेंगे दो कप, फिर उसमें ना पत्ते लेंगे, मतलब एक पत्ता, सपोज आपका ये ना मीटिंग अगर पूरा हो जाए ना तो हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे सेम लिंक पे, ठीक है। कफा टी, ठीक है। फिर पानी को उबाल लेंगे, उबलने के लिए रख देंगे, उसमें ना आपकी चॉइस के मसाले डालेंगे जो भी आपको पसंद हो, किसी को जिंजर ज्यादा पसंद होती है, किसी को जीरा पसंद होता है, किसी को सिनामन पसंद होता है, किसी को क्लोज पसंद होते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कोई तो मसाला पसंद ही होगा ना, सौंफ है, अजवाइन है, जो भी आपको पसंद हो वो डाल दो और कड़ी पत्ता डाल दो। और चाय में अदरक और इलायची का तो फ्लेवर सबको पसंद ही होता है मोस्टली, वो थोड़ा डाल दो और उसमें जैगरी डाल दो, पाम जैगरी, ऑर्गेनिक जैगरी जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको अच्छे से उबाल दो 2-3 मिनट के लिए, फिर उसको बंद करो गैस को, फिर ढक दो 2 मिनट के लिए, फिर शान के पियो जैसे चाय पीते हो ना, बिस्किट नहीं लेना साथ में, हाँ ऐसे ही पी लो, तो देखो आपकी क्रेविंग भी कम हो जाएगी। फिर एक हफ्ता ऐसे किया, फिर दूसरे हफ्ते क्या करेंगे, पुदीने के पत्ते को लेंगे, मिंट लीव्स, हाँ। तीसरा हफ्ता क्या करेंगे, धनिया पत्ते के लेंगे, कोरिएंडर लीव्स, चौथा क्या करेंगे, पान के पत्ते से बनाएंगे, पांचवे हफ्ते में क्या करेंगे, तुलसी के पत्ते से बनाएंगे, छठवे हफ्ते में क्या करेंगे, पोंगे मियां पिन्नाटा आपका आपके पास अवेलेबल हो, हाँ कड़ी पत्ता, आठ आठ दस कड़ी पत्ता और मिंट लीव्स भी उतने और धनिया के पत्ते भी इतना सा थोड़ा लेके डाल दो और पान का पत्ता एक बड़ा होता है ना, बड़ा पत्ता कम क्वांटिटी, जैसे वो चुका मिलता है ना, चुका आंबट पत्ते मिलते हैं ना, चुका बाजी, सेपू मिलता है, सोआ बाजी, तो एक दिन वो पत्ते, एक हफ्ता वो पत्ते ले लो और चुके के पत्ते में इतनी टेंडेंसी होती है कि वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, तो लेडीज के लिए बहुत ही अच्छी है वो, ठीक है। तो ऐसे करेंगे और दूसरा ये हुआ काढ़े का, और दूसरा जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं ना तो भी हम बीमार पड़ते हैं, तो ओवर ईटिंग वुड बी कौन से हैं जो हमें फिर ललचाते हैं। और जब भी आयुर्वेदा में ऐसे कहा गया है कि जब भी हमारे हमें हमारे इमोशन लेवल पे गड़बड़ है ना तो हमें फास्टिंग करना चाहिए, लंगनम, लंगनम इज परम औषधि, तो वो भी एक है। पर अगर हम ये सब होलिस्टिक कुकिंग सीख के फॉलो करते हैं ना तो हमें फिर वो भी नौबत नहीं आती है करने की।
क्योंकि हम हमेशा फिट फाइन रहते हैं। और बीच में अभी नवरात्रा था ना, नवरात्रे की फास्टिंग लोग करते हैं, कोई लोग करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ज्यादा उतरने के लिए, कोई लोग करते हैं अपना वजन कम करने के लिए, यही सुंदर मौका है, फास्टिंग कर लेते हैं, एक टाइम खाएंगे, भर भर के खाएंगे, हाँ साबूदाना भी खाएंगे, खिचड़ी भी खाएंगे, आलू भी खाएंगे, सब खा के खिचड़ी बना के अपने पेट को परेशान करते हैं। तो फास्टिंग भी कह, तो बहुत सारे लोग फास्टिंग कर रहे थे, तो पूछ रहे थे मेरे नेबर्स, आप फास्टिंग करोगे? मैंने बोला मेरा 12 ही महीने फास्टिंग होता है। क्योंकि हम क्या होता है, जब भी हम फॉलो करते हैं ना, तो हमें खुद ही शरीर बताता है कि हमें क्या नीड है। हम क्या करते हैं, मन को ज्यादा सुनते हैं, शरीर को कम सुनते हैं। पानी पूरी की प्लेट है, भूख नहीं है, शरीर कहता है नहीं चाहिए, मन कहता है खाओ यार खाओ, बाद में देखा जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम खाएंगे भी सब कुछ, पानी पूरी भी हम हेल्दी तरीके से बना के खाएंगे, पिज्जा बर्गर हाँ सब कुछ खाएंगे, पिज्जा बर्गर दही बड़े कटलेट, पर हेल्दी वे कटलेट भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, केक भी खाएंगे। हाँ तो आयुर्वेदा ऐसा नहीं है कि घास फूस के लाएगा, नहीं, सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ जो भी हम बनाते हैं, दाल चावल पिज्जा बर्गर पालक पनीर दही बड़ा कटलेट। ठीक है, किसी के अभी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ये ऑफलाइन कोर्स भी हो रहा है इसमें डोंबेवली में, 17, 18, 19, 20। हाँ किसी को अनम्यूट करना है, किसी के प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हमारा सेशन खत्म हुआ। किसी के पास प्रश्न नहीं है? ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है डिटेल्स। हाँ जब भी ओवर ईटिंग हो जाती है ना, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया ना हर्बल टी, उसमें दालचीनी डाल देंगे थोड़ा पिंच। दालचीनी ब्लोटिंग को ठीक करती है, फीस है ना वो 1200। ठीक है, मैंने डाल दिए हैं डिटेल्स, उसमें फोन नंबर्स भी हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना है या दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में तो। नहीं, ऑफलाइन के लिए अलग अलग एरिया में अलग अलग फीस है। आप कहाँ रहते हो? वेलकम पूजा। फास्ट फूड के बाद कौन सा ड्रिंक लेना है? लोखंड वाला में रहते हो? आपको ऑफलाइन कोर्स करना है अशिता? एक मिनट, दिल्ली में रहते हो पूजा? हाँ ओके, हाँ मैंने अनम्यूट किया है आपको, पूछिए। हाँ जी मैम, मैं सोच रही हूँ करने का, मुझे इतनी अच्छी सी कुकिंग नहीं आती है, बट मैं कुक नहीं करती हूँ अभी तक, मैं जॉब कर रही थी, अभी मैंने जॉब छोड़ी है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न मोर एंड मोर आयुर्वेदा कुकिंग, क्या क्या मैं अपने घर में करवा सकती हूँ एंड ऑल दैट, तो ठीक है, इसलिए। ऑनलाइन कोर्स के डिटेल डाल दी।